नमस्ते दोस्तों, मैं ममता। मैं देशभक्ति पर एक छोटी सी कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरा प्रयास है प्राचीन भारत के उस गौरवशाली इतिहास के आंगन में एक छोटा सा झरोखा खोलना, जिसे हम में से कई लोग भुला चुके हैं। आशा है आपको मेरी कोशिश पसंद आएगी। ये देश हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाता था। दर्जा था इसका विश्व गुरु का, ये सबको ज्ञान सिखाता था। वेद पुराणों उपदेशों के मोतियों से इतिहास सजा। रामकृष्ण ने अपने कर्मों से फहराई जीवन धर्म ध्वजा। आचार्य हुए जहाँ सुश्रुत चरक, आर्यभट्ट मिहिरदेव चाणक्य, जिनके लिखे वेदों से चमका भारत जू माणिक्य। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक जैसे यहाँ पर शेर हुए, जिनकी तलवारों की धार के आगे सारे दुश्मन ढेर हुए। नालंदा, तक्षशिला जैसे यहाँ एक से एक गुरुकुल थे, बुद्धि ज्ञान और साहस के संगम के जैसे वो कुल थे। वास्तुकला हो या युद्ध कला, यहाँ एक से एक नगीने हैं। मंदिर बने या महल बने, पत्थर में जीवन जीने। भारत मेरा देश महान, गैरों के हाथों बर्बाद हुआ, पर हर बार राख से उठकर फीनिक्स जैसे था। आखिर में देश प्रेम का अमर चिराग अब हर दिल में सुलगाना है। विश्व के माथे पर इसको फिर मुकुट के जैसे सजाना है। थैंक यू, धन्यवाद।